दोस्तों इंटरनेट तो आप सभी यूज करते हैं और आप सभी जानते होंगे आईपी एड्रेस के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि मैक एड्रेस क्या होता है? आज दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे मैक एड्रेस के बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि मैक स्पूफिंग क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आईपी एड्रेस तो वो एड्रेस है जो कि पूरे इंटरनेट की जान है, जिसके दम पे दोस्तों जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। अगर आपको नहीं पता ज़्यादा डिटेल्स तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ आईपी एड्रेस के बारे में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैक एड्रेस के बारे में, जिसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब देखिए दोस्तों, जो आईपी एड्रेस है वो डेफिनेटली इंटरनेट की जान है और ऐसे में आपकी एक पहचान है कि आज अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो ये कैसे दोस्तों आपके राउटर तक पहुँच पा रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वो जो कहानी है वो आपके राउटर पे आके खत्म हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि जो आपकी आईएसपी है उन्होंने आपको सिर्फ एक आईपी एड्रेस दिया है। अब हर एक के पास दोस्तों एक एक आईपी एड्रेस है, लेकिन ऐसे में आपने दोस्तों जो बना रखा है अपने नेटवर्क, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, फिर चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, वहां पे दोस्तों बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं आपके, बहुत सारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, और दोस्तों उसके अलावा मान लीजिए आपके उसमें गेमिंग कंसोल है तो गेमिंग कंसोल दोस्तों आ गया, वहां पे आपका क्रोमकास्ट भी आ गया, यहां पे दोस्तों आपका एवीआर भी आ गया। मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस जो आपके घर में है और दोस्तों कनेक्टेड उस वाईफाई नेटवर्क से, वो आ चुका है यहां पे इस लिस्ट में। अब ऐसे में आपके राउटर को क्या पता दोस्तों कि जो डेटा बाहर से आया है उसके पास तक वो आगे कहां भेजना है। ऐसा ना हो कि आपने दोस्तों दो लैपटॉप खोल के रखे हैं सामने, आपने वेबसाइट खोली किसी एक में और खुल गई वो किसी दूसरे में, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। तो वो दोस्तों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो आपका राउटर है वो याद रखता है आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को, जो होते हैं 192.168.0.1.0.2.0.3। तो यहाँ पे दोस्तों आपने उस वाईफाई नेटवर्क में ही अलग अलग आईपी को असाइन कर दिया अलग अलग डिवाइसेस के साथ में। लेकिन दोस्तों ये कोई चीज़ परमानेंट तो नहीं है, वो भी चेंज हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमको चाहिए एक ऐसा एड्रेस जो कि हो परमानेंट, और हम दोस्तों इसलिए काम में लेते हैं मैक एड्रेस को। और ये जो मैक एड्रेस है ये हर एक डिवाइस के साथ में, कोई भी दोस्तों ऐसा डिवाइस जो जुड़ सकता है इंटरनेट से उसके साथ में आता है, और ये फैक्ट्री से ही जब डिवाइस वो बन रहा होता है तभी दोस्तों उसके सिस्टम में डाल दिया जाता है, और जिसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल दोस्तों हम सभी कहते हैं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो मैक एड्रेस है ये उसकी एक पहचान बनाता है, और ये बेसिकली न सिर्फ ये काम करता है कि जो डेटा है वो सही पहुंच जाए, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत जगह पे काम आता है। एक सिंपल सा एग्जांपल कि मान लीजिए आपके दोस्तों एक दोस्त का फ़ोन है और आप नहीं चाहते कि वो अपने फ़ोन से आपके घर में आके वाईफाई में कनेक्ट होने के बाद में इंटरनेट को यूज़ कर पाए, तो अगर आप दोस्तों जाते हैं अपने वाईफाई राउटर की सेटिंग्स में और वहाँ पर अगर आप उस दोस्त के फ़ोन का जो मैक एड्रेस है उसको वहाँ से फ़िल्टर कर देते हैं, तो बिसल दोस्तों फिल्टर करने के बाद में क्या होता है कि जैसे दोस्तों वो रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट के लिए, आपको जो राउटर है वो उस रिक्वेस्ट को डिनाई करता है और वो आगे ऐसे में इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं। सिंपल दोस्तों, आपने अगर आपके फ़ोन का बिल नहीं भरा और ऐसे में जो आपके आईएसपी हैं वो आपके फ़ोन को डिसकनेक्ट करती हैं, तो वो भी दोस्तों मैक एड्रेस फिल्टरिंग की मदद से ये काम कर पाती है। तो बेसिकली मैक एड्रेस से आप दोस्तों किसी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि उनको इसके एक्सेस नहीं देने चाहिए तो आप दोस्तों यहाँ पर सेलेक्टिवली वो काम कर पाते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर मैक एड्रेस क्योंकि हम उसको किसी को रोकते हैं, अब तरीके होंगे कि कैसे कोई वहाँ से बच के निकले, तो यहाँ पे दोस्तों जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है मैक स्पूफिंग का। और मैक स्पूफिंग दोस्तों जो है वो बेसिकली क्या होती है कि आप अपने मैक एड्रेस को चेंज कर रहे होते हैं। अब हालांकि दोस्तों ये जो है वो फैक्ट्री से बन के आया है, और आपने देखा होगा अक्सर आपके राउटर पे भी आपको एक स्टिकर के रूप में देखने को मिलता है ये दोस्तों एड्रेस जो है ये होता है 48 बिट्स का, आपको हेक्साडेसिमल डिजिट्स के दो दो के दोस्तों मिलते हैं 6 अलग अलग पेयर्स, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों चेंज करना इलीगल नहीं है, लेकिन आप मैक एड्रेस चेंज करके अपनी पहचान छुपा के आगे क्या काम करते हैं वो दोस्तों इलीगल है, तो इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हैं। आप दोस्तों अगर यूज़ करते हैं एंड्रॉइड फ़ोन तो ऐसे में आप उसका मैक एड्रेस अगर चेंज करते हैं तो आपको चाहिए एक रूट एक्सेस, और रूट एक्सेस दोस्तों होने के बाद में आप बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर, सिंपल जो है वो अपना मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यूज़ करते हैं एक मैक या फिर एक पीसी तो ऐसे में आपको बहुत ही सिंपल कमांड्स दोस्तों वहाँ पे यूज़ करने होते हैं, और आप बड़े ही आराम से विंडोज़ में दोस्तों बहुत ही आसान है, आप सीधा जाएंगे अगर अपने नेटवर्क जो आपका अडैप्टर लगा है उसकी प्रॉपर्टीज़ में वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और मैक में आपको लिखना है टर्मिनल के अंदर बहुत ही सिंपल सा कमांड और आप अपने मैक एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैक एड्रेस क्या है, बेसिकली एक हर एक डिवाइस की अलग पहचान है आईपी एड्रेस के अलावा दोस्तों, जिससे वो सेलेक्टिवली जो है वो बिल्कुल प्रिसाइजली जो है वो कम्युनिकेट कर पाए इंटरनेट से, और ऐसे में जो आगे अथॉरिटीज हैं वो भी दोस्तों उसको रेस्ट्रिक्ट कर पाए अगर करना पड़े तो। बाकी आप चेंज कर सकते हैं मैक स्पूफिंग, और बस गलत काम को ना कीजिएगा। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।